दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मास्टर जी के बुटीक में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लीव्स का कटिंग। तो सबसे पहले हम बाही कटिंग करने के लिए ये जो बैक का जो पार्ट है, सूट हो या ब्लाउज हो, उसका आर्म होल जो है पीछे वाला जो आर्म होल, उसका नाप लेंगे कितना आ रहा है, क्योंकि यही लगता है कटिंग के लिए, बाही कटिंग के लिए। तो इसको नाप लेना, कैसे नापना है, ऐसे ऊपर से ऐसे रख के बराबर जो है ऐसे करते हुए नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 9 इंच एक सूत का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, साइड में रख देंगे। अब जिस पे बाही कटिंग करना है उसको ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक मार्किंग कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। मार्किंग करने के बाद इसका बाही का लंबाई है 14.5 इंच का, तो हम यहाँ से यहाँ पर मार्किंग करेंगे 15 इंच। इस मार्किंग से इस मार्किंग 15 इंच, क्योंकि आधे इंच इसमें मैं रख दिया हूँ, ऊपर दबाव में जाने वाला है। अब यही से 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे एक और, ठीक है। ये 3.5 इंच पर सीधा एक लाइन मार लेंगे ऐसे, ठीक है। और एक लाइन और यहाँ मार लेंगे नीचे बॉटम, जो हाथ का है मोहरी बना रहेगा यहाँ का। तो ये वाला उसका रखना है 11 इंच का, तो 11 का आधा आएगा 5.5 इंच, तो यहाँ पर 5.5 को रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 11 इंच। अब इसका हम लोगों ने पीछे का जो नापा था आर्म होल, वो आया था 9 इंच एक सूत। तो हम लोगों को इस लाइन पे और यहाँ यहाँ पर इसको रुकी, मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको काट दे रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कट गया भी। अब यहाँ से जो इसका आर्म होल जो हम पीछे का नापे थे बैक साइड वाला, वो आया था 9 इंच एक सूत का, तो वहाँ पर एक सूत कम कर देंगे 9 इंच का। यहाँ पे आर्म होल जो है यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रहे, ठीक है। अब उसके बाद अब यहीं से इसके आधा जो है ना यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, और ऐसे करके 9 का आधा कितना आएगा, 4.5 रहेगा, तो यहाँ पर 4.5 पर मार्किंग ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको इसको यहाँ मिक्स कर देंगे ऐसे, ये देखिए। अभी इधर भी इसको एक मार्किंग लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और अब इसको क्या करेंगे, ऐसे इसको थोड़ा सा हल्का सा गोलाई दे देंगे ऐसे ऐसे बढ़िया से ऐसे। अब इसको ऐसे ही कट कर लेंगे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। अब इसको यहाँ से सीधा कट कर लेंगे, और कट करने के बाद यहाँ से भी एक कट कर लेंगे ऐसे, ये वहीं कट हो गया। अब यहाँ से चटका लगा लेंगे, इधर भी चटका लगा लेंगे, और इसको इधर भी चटका लगाना है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे उठाकर यहाँ पर रख लेंगे। इसका गहराई आगे जो पल्ला है उसमें गहराई ऐसे निकाल देंगे, देखिए इतना निकाल देंगे गहराई के लिए, इसको फेंक देंगे। ये गहराई नहीं निकालेंगे तो आगे आर्म होल में झोल आने लगता है, ठीक है। अब हल्का सा बैक का भी हल्का सा इसको अपने हिसाब से अच्छा लगे उसको शेप दे देना है बढ़िया से, कर्व बोल दीजिए, शेप बोल दीजिए इसको, शेप दे देना है या कर दे देना है उसको बोल सकते हैं। देखिए ऐसा हो गया है, ठीक है। और देखने में कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये देखिए ऐसा। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए मास्टर जी की बुटीक को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।